तो दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक मंत्री पे। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे वन लैप का एक जीपीएस ट्रैकर का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जिसे मैंने अपने बाइक के लिए मंगाया है। और ये वायरलेस वाला है, मतलब ये वन लैप के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, तो मैंने जो वेरिएंट लिया है वन लैप गो करके है, एंड ये वायरलेस है और इसमें 10,000 mAh का बैटरी है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये दोस्तों, इस पर MRP जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो, 5,000 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये 4,700 के करीब पड़ा हुआ है। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ और देख सकते हो सारा पैक है। इसे मैं कट करता हूँ और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बॉक्स को अनबॉक्स कर दिया और इसके अंदर ये है और यही हमारा ट्रैकर है। और ये आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल बाइक में ही लगाओगे। आप किसी के बैग वगैरह में रखना चाहो, छोटे बच्चों के, या अपने आपके घर कार है उसमें रखना चाहो, किसी में भी रख सकते हो। यहाँ पे मैनुअल पढ़ सकते हो कि मैनुअल इसके अंदर है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक है, GPS ट्रैकिंग है, वॉइस मॉनिटरिंग है, और ये चिप दिया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए 10,000 mAh की बैटरी है और इसका वेट लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। और देख सकते हो दोस्तों, यही इसका लुक है, बहुत ही छोटा है, मतलब इसे आप कहीं ट्रैप कर सकते हो। और इसके पीछे ये जो दिया हुआ है देख सकते हो, मैग्नेट है, यहाँ पे तो कोई आयरन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और साइड में ये इसका सिम स्लॉट दिया हुआ है, देखते हैं सिम कार्ड इसमें है या बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिम कार्ड लगा हुआ है पहले से ही, देख सकते हो यहाँ पे। और ये दोस्तों बता दूँ, 1 ईयर्स के लिए मतलब इसमें पैक डला रहता है, इसमें कोई आपको रिचार्ज वगैरह नहीं करना पड़ता है। और इसका जो वॉइस मॉनिटरिंग वाला लिखा हुआ था, वो यदि आप लेना चाहते हो तो अलग से आपको इसमें सिम डालना पड़ेगा, जिसमें आप नॉर्मल रिचार्ज ऐसे कराते हो कराना पड़ेगा। तो यदि वॉइस मॉनिटरिंग वाला यूज करना चाहते हो तो वो डाल लीजिएगा, एंड नॉर्मली यूज करना चाहते हैं तो ये 1 ईयर्स के लिए है, आप इसे यूज कर सकते हो। इस पर भी लिखा हुआ था, आपने पढ़ा होगा कि 1 ईयर्स के पैक के साथ आता है। और दोस्तों, इसके सेटअप के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से वन लैप एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑन का जो मार्क दिया हुआ है इसे ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें बैटरी लगा हुआ है कि नहीं। और दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया है। और यहाँ पे जो GPS वाला है वो देखिए येलो कलर का ब्लिंक हो रहा है, और जो नेटवर्क वाला है वो रेड कलर का ब्लिंक हो रहा है। और ये साइड में इसका बैटरी वाला शो हो रहा है, और आपको यदि इसे चार्ज करना है तो यहाँ से चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों, सेटअप के लिए बता दिया मैंने कि आपको वन लैप का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड उसमें उसके बाद आपको ये मॉड्यूल डालना पड़ता है, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यही एप्लीकेशन है वन लैप वाला, इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। एंड इसमें बैटरी मैं सोच रहा था कि कहीं बॉक्स में दिया होगा, लेकिन इसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल है इसमें। तो मैंने इसे ऑन किया तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक हो रहा था, मैंने बता दिया आपको। देखिए ये एप्लीकेशन भी 4 MB का, 5 MB का है, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। और मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो देखिए क्या इंटरफेस आ रहा है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और गो इट पे क्लिक करते हैं, अलाउ कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे देखिए ये भी अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पे पहले से मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे अपना जो नेम से मैंने किया था ऑर्डर वो नेम डालता हूँ, ठीक है। मतलब ये सारा आपको फिलअप कर लेना, ईमेल आईडी है और ये स्टेट वगैरह है, सिटी है, पिन कोड है। और ये नीचे वाला तो ऑप्शनल है, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए ये नीचे वाला ऑप्शनल है। और ये सब डिटेल आपको फिलअप कर लेना है पहले। और देखिए दोस्तों, मैंने सबमिट किया तो मुझे यहाँ पे OTP फिलअप करना है। चलिए OTP आ गया है मेरा, 4913 है, और क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, अब आ रहा है कि व्हीकल ऐड करने के लिए आ रहा है, तो उस पर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ एंड अलाउ करता हूँ। और देखिए यहाँ पे आपको डिवाइस का सीरियल नंबर स्कैन करना है। चलिए ये वाला मैं स्कैन कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए स्कैन हो गया। अब यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर डालना है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना व्हीकल नेम डाल लेता हूँ, KTM Duke 200। यहाँ पे व्हीकल
ब्रांड में यहाँ पे KTM डाल देता हूँ, ऊपर Duke 200 डालना था मुझे, या अपना भी नेम डाल सकते हो, ऐसे कोई उसमें इशू नहीं है। और यहाँ पे व्हीकल का नंबर डालना है, और यहाँ पे व्हीकल आइकन चूज कर लेना। चलिए मैं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सिलेक्ट डिवाइस, तो ये देखिए लिख रहा है 1 लाख गो, मैंने सेलेक्ट किया मेरा है तो हाई डेन्यू और एक अकॉर्डिंग टू, देखिए ये बता रहा है मतलब कैसे आप रखिएगा, और आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ पहले से, ये बता रहा है कैसे बिलिंग करेगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मेरा डिवाइस एक्टिवेट हो गया, और ये देखिए लोकेशन भी करेक्ट दिखा रहा है कि मेरा डिवाइस कहाँ है। देख सकते हो यहाँ पे कार का चिन्ह दिखा